हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स की। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं और टेक्निकल चार्ट जो है काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके अंदर जो है कितनी तेज़ी आ सकती है वो हम देखेंगे। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे की राह जो है अभी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। क्यों ऐसा लग रहा है वो हम बात करेंगे। अभी यहाँ पर जो है 1547 के ऊपर बंद रहा, 5% के अपर सर्किट पर रहा, लग गया तो गया अपर सर्किट, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल होगा यानी वो देखना बनता है। कई लोग इसके ऊपर ऊपर पे फंसे हुए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की आने की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हाँ ये वोलेटिलिटी भी रह सकती है। अभी थोड़ा बहुत इफेक्ट जो है, एक चीज़ वो है कि बाज़ार का भी इसके ऊपर पड़ सकता है। यहाँ पर अगर देखें बाज़ार को, 25,000 के आसपास निफ्टी खड़ा है आज, और कल भी अगर देखें उसके ऊपर जाने की कोशिश की, एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पा रहा है। निफ्टी अगर 25,000 से ऊपर अच्छे तरीके से निकल जाता है तो अच्छा रह सकता है, जैसे कि निफ्टी 25,350 से 25,700 तक भी जा सकता है, फिर यह तेज़ी कंटिन्यू रहने की संभावना रह सकती है। अदरवाइज अभी कुछ लेवल से इसको जब तक ये पार नहीं कर पाता तब तक इसके अंदर जो है हो सकता है कि वापस से प्रॉफिट बुकिंग या फिर कंसोलिडेशन स्टार्ट हो। तो 1550 का प्राइस है आज भी, अगर देखें तो कल के मुकाबले वॉल्यूम थोड़ा सा बेटर रहा। अगर ये और थोड़ा सा अच्छा रहता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। 2,80,000 के आसपास का वॉल्यूम रहा, थोड़ी और अच्छी यहाँ पर वॉल्यूम रहता 4 से 5 लाख शेयर्स का तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था, जितना यहाँ पर था इस लेवल के आसपास। मतलब अभी भी हालांकि कल के मुकाबले थोड़ा सा बेहतर यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर ज़रा देखें 15 मिनट का चार्ट, तो आज का दिन क्या हुआ, कल तो ये अपर सर्किट था, आज के दिन अगर देखें तो ऊपर खुला। अभी भी यहाँ पर दिख क्या रहा है कि सेलर्स वो अभी भी है इसके अंदर, कहीं ना कहीं बेचने वाले, खरीदने वाले भी है, बेचने वाले भी है। और यहाँ पर अगर आप डेटा के साथ चले तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है, ना कि मतलब कि अगर देखें कि मतलब कि सिर्फ ऊपर जा सकता है या फिर नीचे, इस तरीके से नहीं, बल्कि डेटा जो क्या बोलता था उसको अगर समझे तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। और यहाँ पर अभी भी अगर देखें तो यहाँ पर ऊपर खुला, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, और यहाँ पर अपर सर्किट भी लग गया, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ, लेकिन फिर भी जो है वापस से सेलर्स आ गए, सर्किट को तोड़ा अपर सर्किट को, उसके बाद वापस से अपर सर्किट गया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम की कमी यहाँ पर दिखी। अगर ज़्यादा वॉल्यूम रहता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। फिर भी अगर देखें तो अभी भी एक चांसेस है ऊपर जाने के, लेकिन कुछ लेवल्स को ज़रा देखें। अगर मान लीजिए कि ये लेवल कल के दिन भी तेज़ी आती है, 1600 से 1650 भी अगर देखें पार भी हो जाता है, तो एक ये लेवल है जो कि यहाँ पर टिक किया हुआ है 1640 1650। पिछली बार भी इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंट फेस किया था। ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जब तेज़ी आ रही थी तब यहाँ पर इसने एक बार रेजिस्टेंट लिया था और इसके बाद नीचे आया था, उसके बाद यह ब्रेकआउट आकर ऊपर से निकला था। अभी भी अगर देखें तो तब भी जो है 3-4 हफ्ते यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ था इसी लेवल के आसपास, और यहाँ पर भी इसी लेवल के आसपास ये कंसोलिडेशन चल रहा है। तो ये लेवल अगर पार होता है फिर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट आ सकता है, अदरवाइज़ या तो प्रॉफिट बुकिंग वापस से स्टार्ट हो सकती है या तो फिर इसी तरीके का कंसोलिडेशन और थोड़ा सा हो सकता है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर इसको देखने लायक है। तो ये 1650 के आसपास का जोन, ये लेवल पार होना ज़रूरी है, तब इसके अंदर जो है एक अच्छी, फिर जो है एक स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1800 से 2000 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है, लेकिन तब तक इसके अंदर या तो कंसोलिडेशन या तो प्रॉफिट बुकिंग की संभावना रह सकती है। अब अच्छी चीज़ एक और दिख रही है, बुलिंजर बैंक को डेली चार्ट के ऊपर लगाते हैं तो 1500 का जो लेवल था मिडिल लाइन कल की, उसको पार कर लिया है। कल के दिन की अगर बात करें तो ये ऊपरी लाइन जो है अभी 1628 रुपये के आसपास की दिख रही है, लेकिन ये थोड़ी सी नीचे आ रही है, तो यहाँ तक आने की संभावना रह सकती है। हो सकता है कि 1610 के आसपास एक इसको रजिस्ट्रेशन फेस करना पड़े, या फिर उस लेवल के आसपास 5-10 रुपये ऊपर नीचे रख सकते हैं, काफ़ी बड़ा शेयर है इसलिए। तो एक तो यहाँ तक तो टकराने की संभावना रह सकती है, और ये सब इंडिकेटर्स भी काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। नीचे में जो है अब वो जो सपोर्ट था वो थोड़ा सा ऊपर खिसका है, शॉर्ट टर्म की बात करें तो 1650 1350 रुपये के आसपास का निचली लाइन यहाँ पर दिख रही है। और 21 दिन का मूविंग एवरेज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर हमने बात की थी, ये जो है 1543 है, बिल्कुल उसी लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग दी है, इसी वजह से ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। भले ही कल के दिन इसके ऊपर निकले, लेकिन वहाँ पर टिकता है नहीं वो देखना बनता है। साथ 2 से 4 दिन अगर इसके ऊपर टिकने लगे तब ऐसा लग रहा है कि जो है एक स्ट्रेंथ वापस आ सकती है। पहला लेवल तो यही यहाँ पर दिख रहा है, उसी लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। अभी काफ़ी महत्व और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो है यहाँ पर ये दिख रहा है, जिस लेवल के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, पार कर जाता है उसके बाद ये वो 1650, ये दो लेवल है, एक तो ये पहला पड़ाव पार कर ले फिर अच्छा रह सकता है, उसके बाद वो 1650 का लेवल, बस ये दो लेवल पार कर दे फिर एक जो है वापस से स्ट्रेंथ आने की संभावना रह सकती है। लेकिन ये 21 दिन का मूविंग एवरेज क्यों इतना इंपॉर्टेंट दिख रहा है, क्योंकि जब से इसको तोड़ा है बहुत दिन हो गए, यहाँ से अगर आप शुरुआत करेंगे तब तो प्राइस भी काफ़ी हाई था, यहाँ पर अगर आप देखें 2250 के आसपास, तभी हमने चर्चा की थी कि इसको तोड़ा है, अब इसके ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, और ये ऐसा ही यहाँ पर हुआ। यहाँ पर देखें कई बार इन्होंने कोशिश की, यहाँ पर फिर यहाँ पर, और ये
कितनी बार अब यह है वापस इसके ऊपर निकलने की कोशिश हो रही है, तो इसके ऊपर निकले वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ अब अच्छा रह सकता है। वहाँ पर टिकना ज़रूरी है, सिर्फ एक दिन नहीं दो से चार दिन अगर बात करें तो, कल भी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ पर अगर देखेंगे 200 दिन का मूविंग एवरेज, तो ये जो बाउंस बैक आया है वो भी समझने लायक बात है कि पिछली बार भी ये गिरावट आई थी 1300 रुपये के आसपास आया था। कई बार ऐसा होता है कि जो बड़ी मूविंग एवरेज या फिर सपोर्ट होता है उससे थोड़ा सा नीचे जाके फिर बाउंस बैक देता है, और ये बाउंस बैक भी अच्छा खासा बाउंस बैक था। इसको अगर आप परसेंटेज के अंदर अगर आप मतलब कि गिनोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आपको दिखेगा 1300 रुपये से 1650 इतना ज़्यादा ये भागा था। तो आप खुद इसको परसेंटेज के अंदर अगर जो है कैलकुलेट करके तो ज़्यादा बेहतर जो है रह सकता है। अच्छा खासा ये बाउंस बैक आया, फिर ये गिरावट आई, तो अब ये बाउंस बैक क्योंकि ये बड़ा था तो अब ये कितना बड़ा है वो देखना बनता है। छोटा मोटा बाउंस बैक भी हो सकता है, क्योंकि ये जो बाउंस बैक दिया था ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास से दिया है, तो एक नॉर्मल सा बाउंस बैक भी हो सकता है, तो ये भी ना भूलें। और ऊपर में ये 50 दिन का मूविंग एवरेज 1700 के आसपास है, फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे। और एक चीज़ अच्छी यहाँ पर हालांकि दिख रही है वीकली चार्ट के ऊपर, हालांकि एक दिन बाकी है हफ्ते का, काफ़ी दिन हो गए जब इसके अंदर गिरावट आने की संभावना लग रही थी, ये यहाँ से जब बेरिश क्रॉसओवर हुआ था काफ़ी हफ्तों बाद, फिर ये जो है रेड कलर के बार बड़े बन रहे थे, अब इस बार जो है इस हफ्ते ये गुलाबी कलर का बार बना है। अगर ये ऐसे ही बना रहता है तो आने वाले समय में, हालांकि ये वीकली चार्ट है लेकिन थोड़े से मीडियम टर्म की बात करें तो एक तेज़ी की संभावना या फिर एक स्टेबिलिटी जो है आने की संभावना रह सकती है। ये जो गिरावट लगातार आ रही है वो जो है अटक सकती है ऐसा लग रहा है मतलब कि, और जैसे कि हमने बात की थी 1200 से 1250 की अगर बात करें तो वहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। गिरावट आना कंटिन्यू स्टार्ट होता है तब की बात है, फिलहाल तो अभी ये तेज़ी आ रही है, लेकिन ये अगर थोड़े से मीडियम टर्म की बात करें तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि जो है स्टेबिलिटी आ सकती है। बार बार ये लगातार जो है अभी गिर ही रहा है, सो ये सिग्नल यहाँ पर अभी थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। हालांकि अभी कल अगर देखें दो दिन एक्चुअली जो है बाकी है, कल और परसों, तो क्या होता है वो देखना बनता है। अगर इसके अंदर मतलब कि ये तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो ये जो है बार ऐसा ही रह सकता है, अदरवाइज थोड़ा सा इसके अंदर वापस से ये रेड कलर का बार भी बन सकता है। और RSI अगर देखें तो 47 के आसपास न्यूट्रल कंडीशन में अभी पहुँच चुका है। सो अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। यहाँ पर हैमर जैसी कैंडल भी बनी है, और या फिर हैंगिंग मैन कैंडल भी इसको कह सकते हैं मतलब, तो कहीं ना कहीं अभी भी जो है ऊपर जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है ऐसा मुझे लग रहा है। टिकता है नहीं वो देखना बनता है, ऊपर खुल तो सकता है वहाँ पर टिकता है नहीं वो देखना बनता है। आज भी वहीं हुआ, ऊपर खुला, नीचे का लो देखिए कितना बनाया 1477 का, सीधे नीचे आया वापस से तेज़ी आई, तो कल भी वैसा ही सीनेरियो देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। पहला सपोर्ट इसका दिख रहा है 1510 का, उसके बाद जो है तकरीबन 1460 रुपये के आसपास का जोन, उसके नीचे जो है 1420 रुपये से लेकर 1380 का जोन, और उसके नीचे जैसे कि हमने बात की एक तो 1300, 1250 और 1200 का लेवल, वो लेवल काफ़ी दूर है तो इसकी फिलहाल हम बात नहीं करेंगे, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकते हैं अगर गिरावट आती है तब की बात है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ईजी कंटिन्यू रहती है, तो ऊपर खुलता है तो पहला इसका जो रजिस्ट्रेशन एरिया है 1590 से लेकर 1610 का जोन हो सकता है, उसके बाद तकरीबन जो है 1640 का लेवल वहाँ पर उस लेवल के आसपास, और उसके बाद जो है जैसे कि हमने एक लेवल देखा था 1760 से लेकर 1800 का लेवल, वो तो अगर ये लेवल जो है वो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1590, 1610 और ये 1650 का आसपास का जोन, ये लेवल पार होता है फिर 1800 से 2000 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और कल अगर हो सकेगा तो लाइव मार्केट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अभी ये जो है मॉनसून का सीज़न है उस वजह से थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, इस वजह से जो है ज़्यादा एक जो है थोड़ी सी वीडियो लेट आ रही है, सो आगे चलकर वो ठीक भी हो सकता है। सो कल वापस से चर्चा करेंगे, तो अगर आप इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, कल चर्चा करेंगे। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूं, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।